कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर में जो रुद्राक्ष बांट रहे हैं उसमें क्या खास है, क्या वो जादुई रुद्राक्ष है, क्या उसमें कोई चमत्कारी शक्ति है? ऐसे तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सीहोर में हो रहे रुद्राक्ष महोत्सव में लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। तो आइए अब सीधे पंडित प्रदीप मिश्रा से ही जान लेते हैं कि इन रुद्राक्षों में ऐसा क्या खास है। विज्ञान विभाग में, भोपाल विज्ञान विभाग में सीहोर को वरिष्ठ प्रधान रिसर्च किया है। आप उस रिसर्च को देखेंगे तो उसके अंतर्गत आपको प्राप्त होगा कि इसमें गंडकी का जल मिला हुआ रहता है, जिसके कारण बस पानी में इसको गलाया जाता है और उस पानी को किसी रोगी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसको आराम लगता है। पंडित प्रदीप मिश्रा का कहना है कि कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष भोपाल विज्ञान केंद्र और इंदौर विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जांच के लिए गए थे। रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि रुद्राक्ष में गंडकी नदी का पानी मिला हुआ है। रुद्राक्ष को पानी में डालकर रखा जाए और उस पानी को लोगों को पिला दे तो रोगी की बीमारियां दूर हो जाती है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया कि भारत में लगभग 33 तरह के रुद्राक्ष पाए जाते हैं, जिनमें से अधिकतर नेपाल से आते हैं, लेकिन हमारे धाम का रुद्राक्ष गंडकी से आता है। पुराणों में बताया गया है कि रुद्राक्ष भगवान शिव ने ही उत्पन्न किए थे, इस वजह से उसे भगवान शंकर का पुत्र भी कहा जाता है। इसलिए जब तक रुद्राक्ष साथ होता है तो ऐसा लगता है कि स्वयं महादेव ही साथ है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि हिंदू धर्म को मानने वालों में रुद्राक्ष का विशेष महत्व होता है। रुद्राक्ष को भगवान शिव से जोड़ कर देखा जाता है। जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष पहनता है उसके खराब ग्रह सुधर जाते हैं और शुभ फल देने लगते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से दिल संबंधित बीमारियां, तनाव, चिंता, ब्लड प्रेशर आदि को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। रुद्राक्ष की भारत में कुल 33 प्रजातियां हैं। बाजार में इस समय प्लास्टिक और फाइबर के रुद्राक्ष भी बिक रहे हैं। अध्ययन में पाया गया है कि लकड़ी को रुद्राक्ष का आकार देकर या फिर टूटे रुद्राक्षों को जोड़कर भी नया रुद्राक्ष बनाने का धंधा चल रहा है, लेकिन धाम से मिलने वाला रुद्राक्ष गंडकी का होता है, जिसका काफी महत्व है। इस अभिमंत्रित रुद्राक्ष से लोगों की समस्याओं और बीमारियों का समाधान हो रहा है। बता दें कि आयोजन को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार प्रसार किया गया था, उसी का नतीजा है कि यहां जमकर भीड़ उमड़ रही है। रुद्राक्ष महोत्सव के पहले दिन गुरुवार को भारी भीड़ के कारण हालात बेकाबू हो गए। रुद्राक्ष लेने के चक्कर में भगदड़ जैसी स्थिति भी बनी हुई है। एक महिला की मौत हो गई है, 3 महिलाएं लापता हो गई है। रुद्राक्ष पाने में नाकाम लोग पंडित मिश्रा के खिलाफ नारे लगाते हुए लौट रहे हैं। इस वक्त यहां करीब 10 लाख लोगों के मौजूद होने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं सीहोर से इंदौर की तरफ हाईवे पर भी 17 किलोमीटर लंबा और भोपाल की ओर हाईवे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। अधिक भीड़ होने के कारण मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज़।